जय हिंद साथियों। अभी कुछ दिन पहले भारत की सीमा के ऊपर हमारे 19 जवानों को शहीद कर दिया गया। पिछले हफ्ते हमारी सेना ने बहुत बहादुरी के साथ उसका बदला लिया और अंदर घुस के वहाँ पे आतंकवादी जो कैंप थे उस पे सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। मेरे अपने हमारे प्रधानमंत्री जी से 100 मुद्दों के ऊपर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने इच्छा शक्ति दिखाई है इस मामले में, उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन जब से ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं, पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान अब गंदी राजनीति करने के ऊपर उतर आया है। पिछले 2-3 दिन में देख रहे हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को ले लेके बॉर्डर पे जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सर्जिकल स्ट्राइक्स तो हुए ही नहीं थे। 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। अभी कल सीएनएन वाले एक रिपोर्ट चला रहे थे, उसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पत्रकार कह रही थी कि पाकिस्तान की सरकार एक बस भर के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बॉर्डर पे लेके गई है और वहाँ ये दिखा रहे हैं कि देखो भारत कह रहा था यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। वो दिखा रहे थे कि देखो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, जिंदगी नॉर्मल चल रही है, लोग अपना रह रहे हैं, यहाँ तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा गोलाबारी जैसी कोई सबूत ही नहीं है। उस रिपोर्ट को देख के खून खौल उठा बुरी तरह से। बीबीसी वाले, न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, कल उनकी भी खबरें छप रही थी कि क्या वाकई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं। तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की साख खराब करने में लगा हुआ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने और सब ने मिलके जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है, ऐसे ही ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है इसको भी बेनकाब करें। ये जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहा है इसको भी बेनकाब करें। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, हम सब आपके साथ खड़े हैं। और देश के लोगों से अपील है कि जो पाकिस्तान झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है इस पर बिल्कुल यकीन ना करें। भारत माता की जय।